हेलो स्टूडेंट्स हाय आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर राइट्स इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर दिस इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ माय लेक्चर वन सो लेट्स बिगिन इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स के बारे में फ्रेंड्स कंज्यूमर राइट्स क्या थे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नाइन्टीन में हमारा uh, लागू हुआ था तो इसके अंदर तीन मेन कंज्यूमर राइट्स थे वो कौन कौन से थे राइट टू चूज़ राइट टू बी इन्फॉर्म राइट टू सीक रिड्रेसल आइए वन बाय वन हम सबके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड फ्रेंड्स ये राइट right कहता है कि जो कंज्यूमर है उसके पास ये राइट right है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो सेलर से करेक्ट इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है अबाउट अ प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट पे जो वो प्रोडक्ट लेगा उसके ऊपर वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्लेस भी होनी चाहिए और वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या थी एम मैक्सिमम रिटेल प्राइस कि जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमम कितने प्राइस पर बेच सकते हैं लाइक like, सपोज़ हमने एक ब्रेड का पैकेट ख़रीदा तो उसके ऊपर अगर एम आर पी है तो अगर कोई ट्वेंटी uh, फाइव रुपीज़ का चार उसको चार्ज करता है तो हम उससे बार्गिन कर सकते हैं हम उसको कह सकते हैं कि भैया के पीछे ट्वेंटी लिखा है हम तो ट्वेंटी देंगे ठीक है तो अब बात आती है मैनुफैक्चरिंग डेट की कि जो कोई भी प्रोडक्ट है कि वो कब बना था ये एक कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ एक्सपायरी डेट भी कि जो मैंने ब्रेड का पैकेट लिया सपोज़ आज डेट है ट्वेंटियथ uh, और अगर वो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट थी एटीथ और वो एटीनथ के बाद भी ट्वेंटियथ को बेच रहा है सो so मैं उसको बोल सकता हूँ कि भैया आई वांट अनदर वन क्योंकि ये तो एक्सपायर्ड है ऑलरेडी तो ये एक कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स भी होने चाहिए कि इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हुए हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और प्लेस ऑफ प्रोडक्शन कि जो प्रोडक्ट मैंने लिया है वो एक्चुअली बना कहाँ पर था सो मुझे ये सब पता होना चाहिए सो ये आता है सब कुछ राइट टू बी इन्फॉर्म में आई होप इट वॉज क्लियर टू यू अब बात करेंगे राइट टू चूज फ्रेंड्स जैसे कि अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हमारे पास चिप्स के पैकेट की बड़ी सारी ऑप्शन होती है कि आपको अंकल चिप्स लेना है लेस लेने हैं ओ लेने हैं सो so... जो कंज्यूमर है उसके पास राइट टू चूज़ है कि हम जो चाहे वो ले सकते हैं जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो कंज्यूमर है इसके पास दोनों ऑप्शन है कि वो जोन सा चाय जो भी हाथ में प्रोडक्ट है वो ले सकती है और जो सेलर है वो उसको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इसी ब्रांड का लेना है सेलर सेलर को ऑप्शन देनी होती है कंज्यूमर को कि मेरे पास ये दो तीन ब्रांड है आपको जोन सा चाय आप ले सकते हैं सो so, इसको बोलते हैं हम राइट टू चूज अब लास्ट आता है राइट टू सीक रिड्रेसल सपोज़ फ्रेंड्स मैंने एक प्रोडक्ट लिया और फिर जब मैं घर गए जैसे कि प्रोडक्ट uh, जैसे कि सपोज़ मैंने एक अपने लिए शर्ट ली और जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि वो शर्ट तो मुझे टाइट थी सो so, अगर मेरे पास उसका बिल है तो मैं उस वापस जो शॉप है जो मार्केट है मैं वहाँ पर जा सकता हूँ और उसको कह सकता हूँ कि मुझे इसको चेंज कराना है तो so, अगर मेरे पास बिल है रिसिप्ट है सो मैं उसको चेंज करा सकता हूँ और चाहे वो एक मैनुफेक्चरिंग डिफेक्ट uh, हो या फिर कुछ भी हो सकता है सो so, उसमें Uh, जो मेरे पास राइट है कि मैं उसको चेंज करवा सकता हूँ सो so, इसको बोलते हैं राइट टू तो सीक रीड रेसल सो आई होप फ्रेंड्स इट वॉज क्लियर टू यू लास्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंज्यूमर फोरम के बारे में एंड कंज्यूमर डे के बारे में नेशनल कंज्यूमर डे के बारे में सो प्लीज़ वॉच